أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم karatama mabi ima ki roshni ke liye durud shar کے لیے کر تمام بھی تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھو تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی کے لیے
के लिए कर तमाम भी। लगी है रोज़े पुर नूर पर मेरी आँखें, तड़प रहा शब रोज हाजरी के लिए तड़प रहा हूँ, शब रोज हाजरी के लिए कर तमाम भी। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए कर तमाम भी। ईमान की रोशनी के लिए दुरूद शर्त है, जिक्रे मोहम्मदी के लिए कर तमाम भी। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन मुहतरम, आज रमज़ान मुबारक की 6 तारीख है, जुमतुल मुबारक का दिन है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा निस्फ के करीब गुज़र चुका है और दूसरा निस्फ उसका जारी है। यकीनन इसी तरह एक एक करके एक दिन ये रमज़ान भी हमसे रुखसत होने लगेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे तमाम नाज़रीन को जो पाकिस्तान से, दुनिया भर से, जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, इस माह मुबारक की फयूज़ व बरकात को समेटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में तिलावत की सआदत हासिल की जनाब कारी ख्वाजा आशिक हुसैन सईदी ने, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की हाफिज़ शाहिद अब्बास ने। मैं एक दफ़ा फिर अपने आज के इस प्रोग्राम में अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगु करेंगे कि रोज़े से अल्लाह सुबहानहु व तआला को दर हकीकत अपने बंदों से क्या मतलूब है, और रोज़े के उन फवाइद को, उन मकासिद को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और क्या वाकियतन हमारे आज के मौशरे में रोज़े के फवाइद का हुसूल कहीं मुश्किल तो नहीं होता जा रहा। हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में दावत दी है नौजवान मारूफ स्कॉलर हाफिज़ सफ़ीउल्लाह साहब को। हाफिज़ साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उम्मीद है इंशाल्लाह रोज़े आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
करीसब, हमने आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि रोज़े से दर हकीकत अल्लाह ताला को क्या मतलूब है, और क्या वो जो मकासिद जो रब्बुल इज़्ज़त के पेश नज़र थे अपने बंदों से उनकी तरबियत के लिए, उनकी रूहानी तरक्की के लिए, क्या हम वो मकासिद हासिल कर पा रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो रोशनी डालें कि रोज़े का मकसद क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोज़े से जो चीज़ हासिल है वो है तकवा। इरशाद बारी तआला है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। के ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नतीजा खुद ही बता दिया कि ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। तो इरशाद हुआ लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम शायद के तुम मुत्तकी बन सको, शायद के तुम परहेज़गार बन सको। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोज़े से जो चीज़ हासिल करनी है वो तकवा है। और तकवा का मैयार अब ये है कि आप अपने माशरे कारी सब कथा कलामी की माजरत चाहते हुए सबसे पहले तो तकवा के मैयार की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा लफ्ज़ तकवा की वजाहत कर दीजिए कि बुनियादी तौर पे तकवा किसे कहा जाता है, तकवा के आम अल्फाज में लुगत में इसके मानी क्या हैं, और फिर जो दीनी एतबार से जो शरई एतबार से इसके माना और मफहूम हैं वो क्या हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। तो तकवा के जो लुगवी माना है वो हैं बचना, किसी चीज़ से दूर होना, हटना, इज्तनाब करना। और इस्तलाह शरीयत में तकवा से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम तर मासी से बचना और तमाम तर हसनात का हुसूल हासिल करना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात दिए हैं तो उन तमाम तर अहकामात की पैरवी करना, और जिन नवाही से रोका गया है उन तमाम उमूर से इज्तनाब करना। ये इस्तलाह शरीयत में तकवा का मतलब है, लेकिन ज़ाहिर है नेकियों से तो नहीं बचना, वो तो करनी है। जी बिल्कुल, शरी लिहाज से मतलब ये होगा कि जो बुराइयों से अल्लाह ताला ने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है उनसे खुद को बचाना, रोक लिया जाए। जी बिल्कुल, कर सब ये फरमाइएगा कि अब हम जो रोज़ा रखते हैं, मतलब जो बज़ाहिर रोज़े की अलामत है वो तो है सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना। बिल्कुल, तो क्या अपने आप को खाने पीने से रोक देने से वो कोई ऐसा लिंक अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है कि हमारे अंदर वो जज्बा भी पैदा हो जाएगा कि हम गुनाहों से खुद को, दीगर गुनाहों से भी खुद को बचाने लग जाएंगे, या उसके लिए कोई मज़ीद हमें कोशिश भी करना पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का बार बार इआदा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंसान के महज भूखा प्यासा रहने से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो चीज़ मतलूब है तो वो तकवा है। अब बात इस पर की जा सकती है कि हम तकवा को कैसे हासिल कर सकते हैं, अब हम रोज़े का जो असल मकसद है उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोज़े से जो चीज़ हासिल करनी है तो वो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए ये कैसे कर सकते हैं? तो उसका ये है कि पहली जो आगाज़ की बात है वो ये है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कुहु मा ला यानी, कि वो तमाम तर चीज़ें जो फजूलियात में आती हैं, लघवियात में आती हैं, तो उन तमाम तर चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा। सही। फिर ये है कि जो गुनाह हम देखते हैं कि हम तसलसल होते हैं आँख के ज़रिए से, बाज़ औक़ात कान के ज़रिए से, हम फोश चीज़ को देखते हैं, हम किसी गलत बात को सुनते हैं, तो आगाज़ के जो चीज़ें हैं गुनाह करने में वो यही हैं, ये आँखें हैं, ये आपके कान हो सकते हैं, ये फिर आपका दिल हो सकता है। तो यानी आँख के ज़रिए हम देखते हैं, दिल के भी गुनाह है, यानी आँख का तो समझ आता है कि आँख से कुछ गलत देखा, कोई बदनजरी हो गई, या कानों से जो है वो कुछ गलत सुन लिया, म्यूज़िक जो है वो उस म्यूज़िक को सुना, इसी तरह ज़बान की बात भी समझ आती है कि गालम गलोच है, नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल है, और छोटे बड़े की तमीज़ रखे बगैर गुफ्तगू करना है। लेकिन अभी आपने फरमाया कि दिल जो है उसे भी बचाना। बिल्कुल, तो ये भी थोड़ा सा ज़रा इसकी वजाहत कर दें। बिल्कुल, बल्कि मुझे अगर आप इजाज़त दें तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे, हमने एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में कि रोज़े के असल मकसद यानी तकवा, या आम अल्फाज में जिसे आप कह लें कि परहेज़गारी, यानी ख़ुद को गुनाहों से रोक लेना। इस खूबसूरत मकसद को, जो दरहकीकत रब का हम पर एहसान है, इसके पाने के लिए हम किस तरह से सही कर सकते हैं, इस पर कारी साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और इसके लिए हमारे साथ तआवुन किया है स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान ने। नाज़रीन, मुल्तान और इसके मज़ाफात में आज इफ्तार का वक्त 6:39 है। दीगर इलाकों के नाज़रीन यकीनन अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक इफ्तार करेंगे। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इफ्तार के वक्त, जो दरअसल कबूलियत दुआ का वक्त है, उस वक्त अपनी मनाजात में सारी उम्मत मुस्लिमा को और हमें हमारे इदारे को भी ज़रूर याद रखें। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले हाफिज़ सफ़ीउल्ला से कि तकवा का हुसूल रोज़े में क्यों कर कैसे मुमकिन हो सकता है। कारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में दिल के गुनाहों की बात की, तो आइए उनसे इस अमर पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि दिल के गुनाह दरअसल हैं क्या और इनसे किस तरह से ख़ुद को बचाया जा सकता है। जी कारी साहब। जी बिल्कुल, दिल ही तो वो असल चीज़ है कि जहाँ गुनाह परवरिश पाते हैं या फिर वहाँ अच्छाई और सही हसनात का की परवरिश होती है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्न फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। कि याद रखो, इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा ऐसा है कि इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर वो ठीक रहे तो सारे का सारा जिस्म ठीक रहता है। और फिर फरमाया वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, कि अगर वो ख़राब हो गया तो फिर सारे का सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। और अला खबरदार रहो वहियल क़ल्ब, कि वो जो गोश्त का लोथड़ा है वो क्या है, वो दिल है। तो दिल में परवरिश होती है गुनाहों की भी और हसनात की भी। मुझे एक और हदीस मुबारका का मफहूम याद आ रहा है आपकी इसी बात से, जिसमें फरमाया कि जब कोई इंसान किसी गुनाह का इर्तकाब करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता पड़ जाता है, और अगर तो वो गुनाहों से ताइब हो जाए जी तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसे साफ कर देते हैं, वगरना जो है वो बार बार मुख्तलिफ गुनाहों का इर्तकाब जारी रहे तो वो दिल पर नुकात स्याह पड़ते पड़ते बिलाखिर पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। तो आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि यकीनन दिल ही वो आमाजगाह है जहाँ हसनात भी और सैयाद या फिर सैयाद भी वो परवरिश पाते हैं। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, आपके इल्म में आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाया। आपने बड़ी खूबसूरती से इन तमाम बातों पर रोशनी डाली। अच्छा, इसी मौजू से रिलेटेड अब थोड़ा सा हम इसको, ये तो समझ गया कि तकवा है, बचना है, और फिर इसमें जहाँ अपने दीगर आज़ा पर तवज्जो देनी है, गुनाहों से रोकना है, ख़ास तौर पर अपने दिल की तरफ भी तवज्जो करनी है कि दिल में जो है वो ख्यालात पाकीज़ा रहें, अच्छे रहें। अब ये फरमाइएगा कि थोड़ा सा ज़रा इस अमर पर रोशनी डालें कुरान और हदीस की रोशनी में कि हम इस कोशिश को अपने लिए आसान कैसे बना सकते हैं रोज़े में होते हुए ख़ास तौर पर। जी बिल्कुल, उसमें यह है कि अगर आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात और इकरामात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो खुशखबरियाँ अगर आपको याद हों तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे और मजलिस लगी हुई थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने सवाल किया कि तकवा का माना क्या है। तो उबैय इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जिन्हें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का बड़ा मुफस्सिर कहा, आलिम दीन थे बहुत बड़े, उससे पहले यहूद के उलमा में कबायर में शुमार, बिल्कुल ऐसा ही। तो उन्होंने फरमाया कि उमर, कभी आपका गुजर हुआ है झाड़ीदार रास्ते से, कभी जंगल से? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं गुजरा हूँ। क्या बात। तो फिर पूछा कि आपकी क्या हालत होती है? तो उन्होंने कहा मैं कपड़ों को समेट लेता हूँ और अपने तो कांटों में और झाड़ियों में कहीं अड़ ना जाए कपड़े, तो फिर यूँ मैं सिमट के गुजर जाता हूँ और फिर ये रास्ता तय करता हूँ और जल्दी मैं गुजरता हूँ। तो उबैय इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि यही दरअसल तकवा है, कि इस दुनिया में रहते हुए इसकी आलाइशों से, इसकी ज़ेबाइश से, इसकी तज़ीन और इसकी आराइश से ख़ुद को बचा के और मासी से और सैयाद से, अल्लाह के जो रोके हुए मामलात हैं उनसे बचते हुए इस दुनिया से आप गुजर जाएँ, तो ये तकवा है। और फिर जो आपके दिल में ये ख्यालात होंगे कि मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ, उसी के लिए कि जो मेरा मलजा और मावा है, जो मेरा मौला है, जो मेरा राजक भी है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन होनी चाहिए जी, अल्लाह की रजा के हुसूल, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके इनामात में आप देखें कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया आपने पढ़ा होगा, तो क्या है वो कि अगर ये लोग ईमान ले आते बस्ती वाले तो फिर अल्लाह रब्बुल और ईमान ले आते और फिर साथ में तकवा की शर्त अख्तियार की। अच्छा कारी साहब, अपनी इसी गुफ्तगू को इसी तनाजुर में जारी रखें, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ कि मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि इस वक्त मौजूदा दौर में ख़ास तौर पर, यानी मुझे ये लगता है कि शायद अगर हम ज़्यादा नहीं बल्कि 30-50 साल भी पीछे चले जाएं तो
تو نسبتاً آسان تھا، یعنی جو شیطانی ہیلے تھے ان میں جو خوبصورتی اور کشش جو آج اس دنیا میں موجود ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اچھا، پھر یقیناً اس وقت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ اس کشش سے، اس چمک دھمک سے، اس دنیا کی رانائیوں سے خود کو بچا کر، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ بچا کے ایک نکلنا ایسے جیسے جھاڑی دار کانٹے دار راستے میں، تو وہ بڑا مشکل ہے۔ اور لیکن جب ہم کوئی شخص یہ کوشش کر لیتا ہے تو یعنی اس کو سامنے کیا نظر آ رہا ہے، یعنی میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اس کے فوائد و ثمرات جب ایک انسان یہ کر لیتا ہے یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بشارات ہیں دی ہیں کہ جناب یہ کر کے آ جاؤ تو آگے یہ سب آپ کا منتظر ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دور فرقہ پرستی کا دور بھی ہے، یہ دور مادہ پرستی کا دور بھی ہے، اور یہ دور پرفتن دور بھی ہے۔ سوشل میڈیا کی سیچوریشن دیکھ لیں آپ، ایسے ہی ہمارے شب و روز میں، ہماری نیند، ہمارے کام، خلل، ہر جگہ پوری طرح سے سیچورائزیشن ہے، ایسے ہی ہے۔ بہت معاملات بگڑ چکے ہیں پہلے کی نسبت، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم قرآن تعلیمات کو تو نہیں چھوڑ سکتے، قرآن پاک تو اسی صورت میں موجود ہے قیامت تک۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم مطیع اور فرما بردار ہو۔ تو اس پر اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح اتقوا النار التی اعدت، تو یعنی تقوی کا جو معیار ہے وہ قرآن پاک میں بارہا مقامات پہ آیا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جی بالکل، یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کے ثمرات کیا ہوں گے، تو اس میں وہ حدیث بھی ہے کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہ جو ان شبہات سے اپنے آپ کو بچا گیا، شبہات یعنی مراد ہے کہ یہ دنیا کی رنائیہ کہہ لیں آپ، بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں، تو اس کا دین بھی بچ گیا اور وہ امن اور سلامتی میں ہے۔ جو امن اور سلامتی میں ہے تو اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے وہاں جنتوں کے وعدے کیے ہیں، اور وہ جنات کیسی ہوں گی کہ تجری من تحتها الانہار، کہ وہ باغات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ بالکل ایسا ہی، دنیاوی تو یہ تو چند لمحے کی، ایسا ہی کچھ دن کی یا کچھ گھنٹے کی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے لیے وہی ہے کہ ولو ان اہل القرآن آمنوا، یہ اس آیت کو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین اہل کتاب کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا دخلناہم جنات النعیم، کہ ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیتے۔ یعنی اگر آپ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو پھر آپ سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ رب العالمین ویسے ہی دور کر دیں گے۔ یعنی بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی اگر تقوی کو اختیار کر لیتے ہیں تو جو گناہ ماضی میں ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس ان کو معاف فرما دیں گے، ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، تو یہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں، یعنی آزمائشیں تو آئیں گی، آپ دنیا میں جب رہیں گے دنیا سے قطع تعلق اختیار کریں، بالکل، تو پھر یہ تو ہے کہ مومن کے لیے پھر یہ قید خانہ بھی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر لازماً ہے کہ آپ پر پریشانیاں آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، تو پھر وہ سورہ عصر کا جو درس ہے وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اس کا بھی ایک اہم نقطہ ہے شریعت محمدی میں، کہ جب آپ کو مشکلات آئیں، مصائب آئیں، کوئی پریشانی ہو تو پھر کیا کریں، ایک دوسرے کو وصیت کریں، اس چیز کی حق بات کی کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ حق ہے، یہ تقویٰ ہے، اس پر ڈٹ جائیے، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت و وصیت کرنے سے چلنا آسان ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ قاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے موضوع پر، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کی صحت میں، رزق میں۔ ناظرین محترم، یقیناً موضوع کی تشنگی باقی ہے اور یہ موضوع مزید بہت گفتگو کا تقاضا کرتا ہے، اور خاص طور پر حافظ صفی اللہ صاحب نے جس خوبصورتی سے قرآن و حدیث میں ربط پیدا کرتے ہوئے اس موضوع کی وضاحت کی ہے، تو خود میرا یہ بہت جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس پر مزید گفتگو کی جائے، بلکہ چند ایک سوالات بھی میرے ذہن میں اس موضوع سے متعلقہ آ رہے تھے، جو یقیناً ہمارے ناظرین میں سے بھی بہت سو کے سوالات ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی پروگرام میں ان سوالات پر رمضان مبارک کے اندر ہی مزید گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا کامنٹ سیکشن میں ہم سے اپنے سوالات کا، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
تو افطار کا وقت قریب ہے اور اس کی جناب میں دس بستہ گزارش کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ الہی اس رمضان مبارک کے رخصت ہونے سے پہلے تو ہماری بخشش فرما دینا۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمين يا رب۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك۔ آمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أنت قاضي الحاجات، قض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم أنت شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مکرم کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ آمین یا رب۔ یا الہ العالمین، ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ آمین۔ ہمیں حسنات کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، تو قادر ہے۔ یا الہ العالمین، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات والا معاملہ فرما۔ آمین۔ کہ ہمارے گناہوں کو بھی ہماری نیکیوں میں بدل دے، تو اس پر قادر ہے۔ آمین یا رب۔ یا الہ العالمین، اسلامیان پاکستان کو اس بات کی توفیق دے کہ تیری دھرتی پہ تیرے نظام کے نفاذ کے لیے عملاً جد و جہد کریں۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ملک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نافذ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔